हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में मनीष मिश्रा आपका स्वागत करता है। आज हम लोग फिर से दोबारा केमिस्ट्री क्लास 11th का, जो कि हम लोग फर्स्ट वीडियो जो अपलोड किए वो परमाणु संरचना का पहला वीडियो जो कि इंट्रोडक्शन के रूप में था। अब जो है हम लोग देखेंगे कि इसके आगे का जो पॉइंट है वो इलेक्ट्रॉन की खोज है। वो इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुआ, साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज एक्चुअली कैथोड किरण से हुई, तो कैथोड किरण के बारे में भी हम लोग जानना चाहेंगे। तो आज का टॉपिक काफी मजेदार, शानदार और कंसेप्चुअल है। ये चीज आप लोग ध्यान से पढ़ोगे और जानने का प्रयास करोगे। लेकिन आपको पता है कि हमारे इस चैनल का कुछ एक्साइटमेंट कॉल दिया जाता है या फिर आपके लिए ही दिया जाता है। एक्चुअली ये चीज से आपके क्या होगा, अंदर से उत्तेजना बढ़ता है और एक्साइटेड होकर के लोग पढ़ाई भी करते हैं और मजेदार भी लगता है। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए कोटेशन इस प्रकार है कि जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए, जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए, हंसो इतना कि रोना भी मुश्किल हो जाए, किसी चीज का पाने का तो किस्मत की बात है, किसी चीज का पाना तो किस्मत की बात है, मगर कोशिश इतना करो कि देने पर ईश्वर मजबूर हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अब जो है आपके पास सामने जो है हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज जो कि आपका ये टॉपिक लिखा हुआ है, जिसको हम लोग कैथोड किरण की खोज भी कह सकते हैं। तो ये चीज जानने से पहले पहले हम लोग जानना होगा कि एक्चुअली खोज से पहले इनमें कौन कौन से एपरेटस जो है काम करते हैं, और उस एपरेटस की सहायता से हम लोग ये जान जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई और कैसे और कहां से हुई। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या जानना है कि इसमें पहला अगर पॉइंट लिखूं तो सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा एक विसर्जन नली। क्या लेना पड़ेगा, एक विसर्जन नली जो कि एक कांच की नली है। क्या चीज का नली है भाई साहब, कांच की है, जो कांच की बनी है। फाइनली दूसरे जो तो एपरेटस होंगे वो आपको लेना होगा इलेक्ट्रोड को। किसको लेना होगा भाई, इलेक्ट्रोड को लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कि एक होगा एनोड और एक होगा कैथोड, ये दो इलेक्ट्रोड काम लेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो तीसरा एपरेटस होंगे वो होंगे उच्च वोल्ट का, यानी कि जो खोजा जाएगा तो सबसे पहले उच्च वोल्ट दे करके पता किया जाएगा, यानी कि हाई वोल्टेज जिसको बोलेंगे हम लोग, हाई वोल्टेज दे करके पता किया जाएगा। तीसरा जो होगा वो होगा निम्न दाब। क्या होगा, निम्न दाब। ये एपरेटस हैं, इनकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एपरेटस क्या है आपका, विसर्जन नली। इसकी सहायता से हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। देखिएगा, सबसे पहले आप एक कांच का विसर्जन नली ले लोगे। क्या ले लोगे, कांच का विसर्जन नली ले लो। ठीक है, ये विसर्जन नली हो गया जो कांच का बना हुआ है। इसके दोनों सिरे पर, इसके दोनों सिरे पर आपको क्या लेना है, इलेक्ट्रोड को लेना है। क्या लेना है भाई, इलेक्ट्रोड को लेना है, एक तरफ इधर एक तरफ इधर ले लोगे। ठीक है, इस इलेक्ट्रोड को आप क्या करोगे, किसी बैटरी से जोड़ोगे। किससे जोड़ोगे, यानी कि ऋणात्मक सेल्स, ऋणात्मक वॉल्यूम से या सेल से भी कह सकते हो, धन से, ऋण से धन की ओर। लेकिन यहां पर यह कहना गलत होगा, क्योंकि जो आप जो यहाँ पे बैटरी ले रहे हो, बैटरी मत लो। जब आप बैटरी आप घर में यूज करते हो ना, तो उस समय शायद ये बता रहा था कि दो इलेक्ट्रोड लग रहते हैं, एक प्लस और एक माइनस, यानी दो टर्मिनल के रूप में रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये बैटरी कहना सही नहीं होगा, यहाँ पे कहो कि यहाँ पे दो टर्मिनल है और इस टर्मिनल से धारा प्रवाहित होगा और ये दो टर्मिनल के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें जो आप वोल्ट दोगे ना वो 10,000 वोल्ट देगा। कितना देगा, अब ये 10,000 वोल्ट जो कि इससे हो करके इस विसर्जन नली में प्रवेश करेगा। ठीक है, अब ये प्रवेश करेगा तो इसके आगे का कहानी क्या होने वाला है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो आप इलेक्ट्रोड लगाए हो वो इलेक्ट्रोड आप लगाते हो कैथोड के रूप में, क्योंकि जो दो दो टर्मिनल जो होता है ना, एक होता है कैथोड के रूप में और एक एनोड के रूप में। ठीक है, तो जो कैथोड का जो चार्ज होता है ना वो एक्चुअली होता है क्या चीज, माइनस, और इसमें होता है प्लस। सारा चीज चेकअप हम लोग कर लेंगे, आखिर प्लस क्यों लेंगे,
इधर माइनस क्यों लेंगे, ये सारा चीज हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 10 वोल्ट 10,000 वोल्ट का जब इसको दिया जाएगा पावर, तो इस विसर्जन नली में, इस विसर्जन नली के इस पार्ट पर एक निर्वात पंप लगा दिया जाता है। क्या लगाया जाता है? निर्वात पंप लगाया जाता है। और ये पंप क्या करेगा ना, कि जितने सारे आपके गैस होंगे, एक्स्ट्रा गैस ऑर्डिनरी जो होंगे, वो बाहर निकल जाएंगे निर्वात पंप के तहत। जिससे क्या होगा कि इस विसर्जन नली में जो गैस भरा हुआ होगा, वो गैस का माप जब करोगे ना, माप करने के बाद जो गैस इसमें भरा पड़ा है, उस गैस का अगर माप आप करोगे ना, तो वो आएगा 10^3 mmHg। कितना आएगा? 10^-3 mmHg आएगा। अब ये mmHg क्या आया, वो निम्न टेम्परेचर, ये निम्न प्रेशर को बताता है। और इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि mmHg जो है ना, दाब का एक मात्रक के रूप में हम लोग पढ़ेंगे, जो आगे का वीडियो में हम लोग को पता चल जाएगा ये क्या है, एक निम्न दाब पता चल गया। अब यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है कि 10,000 वोल्ट दिए, 10,000 वोल्ट जो है किससे गुजारा गया, इसके दो इलेक्ट्रोड से गुजारा गया, एक इलेक्ट्रोड कैथोड के रूप में होगा, एक कैथोड, एक आपका टर्मिनल जो था वो एनोड का होगा, एक पर प्लस चार्ज होगा, एक पर माइनस का चार्ज होगा, ये चीज आप यहाँ पे देख रहे हो। अब यहाँ पे 10,000 दोगे ना, तो इसमें इतना ज्यादा पावर आ जाएगा ना, ये सारे पावर जो है निर्वात पंप के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। और इसका जब गैस के मोलिकुल्स का मान अगर पता करोगे, तो ये मान जा करके कितना आएगा, 10^3 mmHg के बराबर हो जाएगा, जो कि निम्न ताप होगा। स्वाभाविक है कि अगर इसका पावर ज्यादा देगा तो इसमें गैस की मात्रा बढ़ने लगेगी, तो बढ़ने लगेगी तो हमको कुछ पता नहीं चलेगा कि इससे गुजरने वाले जो किरण होंगे ना, वो किरण आगे जा करके क्या रिजल्ट देगा, वो रिजल्ट सामने देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, एक निर्वात पंप लगा दिए। निर्वात पंप लगा देने से इसके अंदर का जो गैस का स्थिति होगा ना, धीरे धीरे निर्वात पंप के द्वारा बह जाएगा। अब बहने के बाद जब निम्न दाब पर आपको पता चल जाएगा ना, तो ये आपके इससे गुजरने वाले जो आपके किरण होंगे, यानी कि जिस इलेक्ट्रोड से किरण गुजरेगा, जिस इलेक्ट्रॉन से किरण गुजरेगा, इस किरण को इस तरह से आप दिखा सकते हो, इधर से ये किरण जा रहा है, ये किरण जा रहा है, ये किरण जा रहा है। अब जाने के क्रम में ना, यहां पे क्या होगा, सोच रहा है अब ये किरण तो जा रहा है, अब इसके सामने विसर्जन नली के सामने एक ऐसा चीज ले लिया जाता है जो कि ये किरण जाकर के इस पर प्रभाव डालेगा। अब यहां पे क्या होने वाला है ना, इस किरण के सामने एक प्रतिदीप्त प्रकाश को ले लेते हैं। क्या लिया जाता है? प्रतिदीप्त प्रकाश लिया जाता है, या पदार्थ ले सकते हो जिस जो कि बना होगा ZnS का, यानी जिंक सल्फाइड का एक प्रतिदीप्त प्रकाश लिया जाएगा। और ये किरण जैसे इस प्रतिदीप्त पदार्थ पर जाएगा और टकराएगा, तो टकराने के बाद ना इसमें जबरदस्त चमक जैसा दिखाई देगा, यानी चमक जैसा धब्बा दिखाई देने वाला है। यानी कि जिस इलेक्ट्रोड से किरण गुजर रहा है, और गुजरने के बाद एनोड के जिस दीवार के सामने एक विशेष चमक दिखेगा, जो कि प्रतिदीप्त पदार्थ पर उत्पन्न हो रहा है, और उसी का नाम लोग दे देता है, कौन सा, कैथोड किरण। क्यों? क्योंकि कैथोड से होकर जो किरण गुजर रहा है ना, इसलिए कैथोड किरण गुजर रहा है। और वो किरण कहां प्रभाव दिखा रहा है, सामने वाले दीवार पर, ज्वाला तरल का दिखाई देगा। और लास्टली जो है ना, इसी का नाम जो है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है। फिर से एक बार, समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करके बताने का, फिर से इसको मैं रिपीट कर दूं कि सबसे पहले आपको विसर्जन नली लेना है। वो विसर्जन नली में दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक कैथोड के रूप में होगा, एक एनोड के रूप में होगा। साथ ही साथ उस विसर्जन नली में आपको इतना हाई पावर का वोल्टेज दे दिया जाए, ताकि हमारे इससे निकलने वाले जो गैस के मोलिकूल होंगे, वो आपस में टकराने के बाद इससे होकर के जो किरण निकलेगा ना, वो जा करके प्रतिदीप्त पदार्थ पर टकराएगा, और टकरा करके चमक आ जाए, इसके लिए आपको इतना वोल्ट देना पड़ेगा। और जब वोल्ट दिया जाएगा ना, तो गैस की मात्रा बढ़ जाएगी। इस गैस की मात्रा से हमको कोई इफेक्ट पड़ने वाला भी नहीं है। अगर इसको अच्छा से हमको अगर रिप्रेजेंट करना होगा, तो यहाँ पे निर्वात पंप लगा दिया जाता है, और निर्वात पंप जो है इसकी पावर को, इनकी दाब को कम कर देगा। और जब इसका दाब कम किया जाएगा ना,
तो उसका मान कितना आएगा, 10^-3 एम एच जी के बराबर होगा। और इससे जो है किरण प्रवेश कर गया और लास्टली जाकर के इसके दीवार पर आकर के टकराएगा, तो टकराने के बाद आपको कुछ किरण का धब्बा दिखाई देगा जो चमकते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो उसी किरण का नाम कैथोड किरण होगा और उस किरण का नाम जो है इलेक्ट्रॉन के रूप में लोग जानते हैं। फाइनली अब यहाँ पे सवाल ये उठ गया ना कि एक्चुअली इस चीज को कैसे हम लोग क्लियरफाई होंगे, एक्चुअली उसको कैथोड किरण कह रहे हो, आखिर कुछ ना कुछ कैथोड किरण के प्रॉपर्टी भी तो हो सकते हैं, इट्स मे बी कि कैथोड किरण में कुछ प्रॉपर्टी भी हो सकते हैं। तो प्रॉपर्टी अगर हम लोग को क्लियर हो जाए ना, तो हम लोग को ये भी पता चल जाएगा कि ऐसा हो जो रहा है वो कैसे हो रहा है, आखिर इसमें काम करने वाले जो भी चीज होंगे वो आखिर काम कैसे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है ना, मैं इसको मैं मिटाऊं, बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेने का, मजा आएगा, हर चीज को धीरे धीरे समझोगे हर चीज समझ में आएगा। यहां पे क्लियर ये हो रहा है कि आखिर आप जो कैथोड किरण का नाम दिए, अब ये कैथोड किरण जो कि आप इस कैथोड किरण को इलेक्ट्रॉन नाम दिए थे, इलेक्ट्रॉन दिए थे, और इस इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था, जे.जे. थॉमसन किया था। ये आपका जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो जे.जे. थॉमसन के द्वारा किया गया। अब ये कैथोड किरण का कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी होंगे, और इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत, इस प्रॉपर्टीज के अंतर्गत यानी गुण के अंतर्गत हम लोग ये पता कर लेंगे कि कैथोड किरण का क्या एक्टिविटी है और उस कैथोड किरण को हम लोग कैसे समझ पाएंगे, और वो चीज आपको इस विसर्जन नली के माध्यम से आप समझ जाएंगे, इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझोगे। तो सबसे पहले देखने को ये मिल रहा है ना कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है जो कैथोड और एनोड के रूप में होते हैं, तो कैथोड से जब आपके किरण गुजर रहे हैं, इस किरण का नाम क्या दे दिया, कैथोड किरण, और ये कैथोड किरण जा करके प्रतिदीप्त पदार्थ पर कुछ चमक दिखाई दिया रहा है, अब ये चमक का नाम ही इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि कैथोड किरण कहां से कहां तक जाती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि कैथोड किरण कैथोड से एनोड की ओर जाती है। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, कैथोड से एनोड की ओर गमन करती है, क्लियर होगा, ठीक है। कहां से कहां जा रहा है, तो कैथोड से किरण, कैथोड किरण कैथोड से एनोड की ओर, ठीक है, लिखा होगा कैथोड से एनोड की ओर गमन करती है। फाइनली अब दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, दूसरा पॉइंट ये कर रहा है ना कि कैथोड जो है ना, एक्चुअली कैथोड जो है ना ऋणावेशित होती है, क्या होती है, ऋणावेशित होती है, ऋणावेशित होती है। तो ये ऋणावेशित होती है, ऐसा इसको कैसे आप कह सकते हो कि ऋणावेशित होती है, तो यहाँ पे क्या किया गया ना, इसी फिगर से समझोगे सारे लोग कि यहाँ पे क्या किया गया कि इस दीवार पर धातु के दो प्लेट ले लिया गया, क्या ले लिया गया, दोनों सरफेस पे ले लिया गया प्लेट। अब यहां से किरण गुजर रहा है और एक जो प्लेट है ना वो धन आवेशित है और एक प्लेट जो है ना ऋण आवेशित है। तो ये आपका मान लो सपोज दैट कि अगर ऋण आवेशित है तो ये क्या है आपका, धन आवेशित प्लेट है, ठीक है। अब इसके माध्यम से ना पता ये चल जाएगा कि जो कैथोड से गुजरने वाली किरण होगी ना वो जिधर जाएगा ना उधर से पता चल जाएगा कि स्थिति क्या है। अब यहां पर देखिएगा क्या होने वाला है, अब यहां पर होने वाला है कि जब ये किरण यहां से निकलती है इसके जस्ट सामने वाले दीवार में, ऊपर वाले दीवार पे दो धातु के प्लेट लगे पड़े हैं, यहाँ पे लिख दो धातु की प्लेट है। अब ये प्लेट एक एक ऋण आवेशित दिख रहा है, एक धन आवेशित है, और ये कैथोड पर जो आवेश है वो माइनस है। इससे गुजरने वाले जो किरण होंगे वो गुजरते 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 किसकी ओर जा रहे हैं, धन प्लेट की ओर जा रहे हैं, क्लियर हो रहा है। ये धन प्लेट की ओर आकर्षित हो गया, तो तुरंत दिमाग में आ गया कि कैथोड पर अगर माइनस था तभी ये धन किरण की ओर गया होगा, दिस इज योर प्रॉपर्टी, ये कैथोड किरण का प्रॉपर्टी था जो सामने हम लोग धातु की प्लेट लिए और लेने के बाद इससे गुजरने वाला जो किरण है ना वो किस प्लेट की ओर जा रहा है, धन प्लेट की ओर, यानी कि कैथोड पर क्या होता है, ऋण आवेश होते हैं। यहाँ पे कंसेप्ट लिखे हैं कैथोड ऋण आवेशित होते हैं, इस एक्सपेरिमेंट से पता चल गया, दैट्स क्लियर, यस और नो। अगर समझ में आ रहा है फिर भी कमेंट करने का, नहीं भी आ रहा है फिर भी कमेंट करना है।
ताकि मेरे को यह पता चले कि जो भी चीज मैं बता रहा हूं वो चीज आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे अगला जो प्रॉपर्टी होने वाला है ना भाई साहब, अगला जो प्रॉपर्टी है ना वो प्रॉपर्टी तीसरे का क्या है, कहता है कि जो कैथोड होते हैं ना वो कैथोड चुंबक तथा विद्युत के क्षेत्र में, चुंबक तथा विद्युत के क्षेत्र में जब प्रवेश करेगा ना, क्षेत्र में प्रवेश करने पर क्या होगा ना, वो विक्षेपित हो जाते हैं। प्रवेश करने पर वो क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। विक्षेपित का मतलब ही होता है परिवर्तन हो जाता है, उनका रास्ता चलता है किधर, हो जाता है किधर, दैट्स क्लियर। यानी कि कैथोड जो है, कैथोड किरण जो है, जब चुंबक और विद्युत की स्थिति में आएगा ना या उसके क्षेत्र में प्रवेश करेगा ना, उसकी स्थिति बदल जाएगी, यानी कि वो विक्षेपित हो जाएंगे। क्लियर है, यानी कि सबसे पहला है कैथोड से लोड की ओर गमन करना, दूसरा का है कैथोड पर ऋण आवेश होता है, तीसरा का बात है ना कि कैथोड चुंबक तथा विद्युत क्षेत्र में प्रवेश जब करता है ना तो अपने अपने रास्ते को भटक जाता है। ठीक है, अब यहां पे सवाल उठ रहा है अगला जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी का रहा ना, चौथा पॉइंट में अगर चलूं तो, कि जो भी कैथोड है ना या कैथोड की किरण जो है ना कुछ भौतिक कणों से मिलकर बना है। एक्चुअली क्या चीज से मिलकर बना है, भौतिक कणों से मिलकर बना है। अभी भौतिक कणों से मिलकर बना है, इसमें कुछ द्रव्यमान भी है, इसमें कुछ द्रव्यमान है और ये गतिज ऊर्जा को उत्पन्न करता है। फिर से मैं बोलूं कि कह सकते हैं कि जो कैथोड किरण है वो कैथोड किरण जो भौतिक कणों से मिलकर बना है, वो भौतिक कण है जिसमें द्रव्यमान भी है, साथ ही साथ उस कण के कारण उसमें गतिज ऊर्जा भी उत्पन्न हो रहा है। अब ये गति के कारण करेंगे ये चीज अभी हम लोग देखेंगे, देखिएगा क्या होने वाला है। अब यहां पे क्या होगा, इसी एक्सपेरिमेंट में सारे लोग हम लोग देख लेंगे, इनके सामने एक क्या लगा देंगे ना, एक अबरख का फैन लगा लो, लगा दो। अब ये क्या करेगा, जैसे ही कैथोड किरण इससे होकर गुजरने के बाद जैसे ही इससे होकर गुजरेगा, फैन का जो पंखा होगा ना वो पंखा घूमने लगेगा। क्यों घूमेगा, देखिएगा कैसे घूम रहा है। जैसे अब यहां पे निर्वातपन गैस की स्थिति 10^-3 mmHg निम्न दाब पर ये इधर से गुजर रहे हैं, तो इनमें क्या है, कण है, और ये कण आपस में टक्कर कर रहे हैं। टक्कर करने के बाद क्या होगा, इनमें गति की ऊर्जा उत्पन्न होगी और ये गति की ऊर्जा क्या करेगा, इस फैन को चलाने लगेगा। ये प्रॉपर्टी देखेगा तो आप कह सकते हो ना फाइनली कि जो भी आपके कैथोड किरण है वो कैथोड किरण भौतिक कणों से मिलकर बना है, और ये भौतिक किरण जिसमें द्रव्यमान होता है और ये गतिज ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, इसी गतिज ऊर्जा के कारण भाई साहब क्या होता है, फैन घूमने लगता है। ये प्रॉपर्टी बड़ा इंटरेस्टिंग था। अब यहां पे कह सकते हो कि जो भी आपके कैथोड किरण है, यहां पे लिख दूं, कैथोड किरण भौतिक कणों से मिलकर बना है, समझ में आ रहा है तो कमेंट करना ना भूलें, नहीं भी आ रहा है तो कमेंट कर दिया करो, कैथोड किरण से बना है। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। अब आगे का प्रॉपर्टी ये है ना कि ये कैथोड किरण है एक्सरे उत्पन्न करता है। एक्सरे कैसे उत्पन्न करता है, अभी मैं देखता हूं एक्सरे कैसे उत्पन्न हो रहा है, देखिएगा। एक्स किरण का उत्पत्ति करवाता है, यहां पे देखिएगा थोड़ा सा, जैसे मान लो कि आपके पास कोई रेडियो एक्टिव तत्व है, किसी को ले लो, जस्ट लाइक मॉलिब्डेनम ले लो या फिर रेडियम ले लो, कोई भी चीज ले सकते हैं जो रेडियो सक्रिय तत्व होगा। ठीक है, फाइनली तो अब इस रेडियो सक्रिय तत्व से आपको गुजारना क्या है, आपको गुजारना है कैथोड किरण को। किसको गुजारना है, कैथोड किरण को। तो जैसे ही कैथोड किरण किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व से होकर गुजरेगा,
तो गुजरने के बाद क्या होने वाला है, इस रेडियो एक्टिव तत्व से एक्स किरण की उत्पत्ति हो जाएगी, यानी कि इससे एक्स किरण जो है निकलना शुरू कर दे। बहुत ही मजेदार लगा। कैथोड किरण रेडियो एक्टिव तत्व से गुजारने पर एक्स किरण की उत्पत्ति होती है, और एक्स किरण क्या करता है आप लोगों को, पूरे बॉडी का एनालिसिस करता है और बहुत आसानी से हर चीज के बारे में पता चलता है, यानी जस्ट लाइक पारदर्शी बना देता है अलार्म। फाइनल क्लियर है। तो यहां पे कैथोड का ये प्रॉपर्टी हो गया कि कैथोड किरण क्या उत्पन्न कर रहा है, एक्स किरण को उत्पन्न कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्स किरण को उत्पत्ति कर रहा है। फाइनली समझ में आया होगा, आई होप पूरी तरह समझ में आ रहा होगा। अगला जो प्रॉपर्टी है ना भाई साहब, जो भी अगला प्रॉपर्टी होगा, 5, 6, 7 जो भी होंगे, ठीक है, अगला जो प्रॉपर्टी है ना, जो कैथोड किरण होगा ना, इनमें आयन क्षमता होती है भाई, आयनन क्षमता। अभी आयनन क्षमता क्या करने वाला है, देखिए क्या करता है कि मान लो सपोज दैट कि इस यहां पे एक कंटेनर ले लू, अब इस कंटेनर में गैस भरा पड़ा है, क्या भरा पड़ा है, गैस। फाइनल अब इस कंटेनर में गैस भरा पड़ा है, अब इस गैस से होकर के कैथोड किरण को गुजारा जाए, इसको गुजारा जाए, कैथोड किरण को गुजार लो। जैसे इस कंटेनर से होकर कैथोड किरण गुजरेगा ना, तो गुजरने के बाद क्या करेगा कि इस गैस के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, आयनित हो जाएंगे, इन पे चार्ज आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि कैथोड किरण जो है जिसमें आयनन की क्षमता होती है, जो गैस के माध्यम से गुजरेगा, तो गैस के अणु अपने आप आयनित हो जाएंगे। इसमें भी मक्खन हुआ होगा, समझ में भी आया होगा तू भी क्लास, कि कैथोड किरण को गैस के माध्यम से गुजारी है, तो गैस के माध्यम से गुजारोगे तो इसके मॉलिक्यूल्स, इसमें उपस्थित गैस के मॉलिक्यूल्स में क्या आ जाएंगे, आ जाएंगे आयनन की क्षमता भाई साहब, यानी कि प्लस में माइनस नहीं है, वाला आवेश आ जाएगा। ये इसका प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को आप लोग जो है बहुत आसानी से समझ भी रहे होंगे, दैट्स क्लियर। आई होप ये चीज क्लियर हो रहा होगा, क्लियर है। ये हो गया अगला प्रॉपर्टी, ठीक है, बहुत आसानी समझ में आ रहा हूं। अगला जो प्रॉपर्टी होने वाला है ना, एक्चुअली मान लो अगर ये कैथोड किरण इससे वो कब गुजर रहा है ना, तो गुजरने के बाद देखिएगा यहाँ पे फाइनली समझ में आएगा, इससे होकर गुजर रहा है। अब इसके सामने ना, इसके सामने जो है ना एक पदार्थ को रख दो, क्या रखना है भाई, पदार्थ को रख दो, पदार्थ रख दिए, रख दिए सामने। अब ये किरण जो है चल रहा है, और चलने के क्रम में ना किरण जो है ना, इसके सामने जो आपके पदार्थ रखे हैं ना, इसके सामने ना इसका एक छाया बन जाएगा, क्या बन जाएगा, छाया बन जाएगा, ये देखिए छाया बन गया, ठीक है। यानी कि इससे यही पता चला कि जो भी किरण है जो छाया को प्रतिदीप्त करते हैं, वो किरण सीधी रेखा में गुजरे रहा होगा। अगर ये सीधी रेखा में नहीं गुजरता तो इससे जाने वाले किरण क्या होंगे, इससे तो पार नहीं हो रहा है। जस्ट लाइक सपोज दैट, मान लो आपके सामने सूरज का प्रकाश पड़ता है, सूरज का प्रकाश पड़ेगा तो आपके पीछे जो है ना कुछ दिखाई नहीं जा रहा, मतलब वो प्रकाश जो है आपको पार नहीं कर पा रहा है। तो आपका प्रकाश पर पड़ना, यानी प्रकाश का आप पर पड़ना, अब आपका पीछे छाया बन जाना, आस पास तो लाइट देता है बट पीछे लाइट नहीं दे पाता, क्यों, क्योंकि प्रकाश सीधे चल रहा है और बीच में एक वस्तु आ गई और उस वस्तु का पीछे छाया बन गया। इससे यही ना पता चला होगा, प्रकाश चला होगा सीधे, जो आसपास गुजरा तो उधर लाइट होगा, पीछे जब गुजरा तो लाइट नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा। यानी कि जब कैथोड किरण के सामने कोई पदार्थ को ला दोगे ना, तो उसका छाया उसके सामने बनेगा, यानी कह सकते हैं कि कैथोड किरण सीधी रेखा में गमन करती है, क्लियर है। यहां पे कह सकते हो कि कैथोड किरण सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है, करती है। ये सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना प्रॉपर्टी, बहुत ही मजेदार, इंटरेस्टिंग और मजेदार है, ये सारा चीज कॉन्सेप्चुअल दिख रहा है, हर चीज अच्छा भी लग रहा है,
आई होप आप उम्मीद भी कर सकते हैं कि सारा चीज आपको समझ में आया होगा, तो ये वीडियो देखना ना भूलेंगे क्योंकि हर चीज कंसेप्चुअल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज से शुरू हुआ और हमको कैथोड किरण की उत्पत्ति का जानकारी मिला, कैथोड किरण का कुछ प्रॉपर्टी भी दिखाई दिया, वो प्रॉपर्टी को हम लोग बाई एक्सपेरिमेंट दिखाने के बाद हमको पता चल गया कि भाई इसके बहुत सारे प्रॉपर्टी, यानी कि कैथोड किरण में बहुत गुण है। दैट्स क्लियर, यस और नो? अगर क्लियर है तो बताना है कमेंट के माध्यम से, अगर नहीं भी क्लियर हो रहा है तो मेरे को कमेंट के माध्यम से ही बताओगे, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक चल रहा है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार शानदार टॉपिक है। अगर ये चीज आप पढ़ लोगे, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का जो टॉपिक चल रहा है ना, अगर वो टॉपिक पूरी तरह से, अगर आपका पूरी तरह से कंसेप्चुअल अगर याद भी हो गए, समझ में आ गया ना, तो पूरा केमिस्ट्री जो है आपका पानी पानी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा, हर चीज समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो आज जो है हम लोग देख लिए इतना, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले हमारे जे जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट, इसके माध्यम से हम लोग जो भी किए सामने दिख रहा है, एक विसर्जन नली लिए, विसर्जन नली में आपका गैस भरा पड़ा है और वो गैस में आपको उच्च वोल्टेज का आपको पावर दिया गया, देने के बाद उस विसर्जन नली में निर्वात पंप लगा दिया गया, निर्वात पंप क्या करता है, उसके गैस को बाहर करता है, अब बाहर करने के बाद उनमें जो निम्न दाब आएगा वो आएगा 10^3, यानी कि उसके प्रेशर को मापा गया, और प्रेशर जैसे ही मापाया ना, तो जो कैथोड की किरण इससे गुजर रहा था वो जा करके सामने वाले प्रतिदीप्त पदार्थ पर पड़ा, और वो प्रतिदीप्त पदार्थ पर क्या हो गया, धब्बा दिखाई देने लगा, उस धब्बा का नाम दे दिया भाई साहब इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। तो ये आज का टॉपिक था, नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में आएंगे फिर से नए टॉपिक लेकर के, जो कि काफी मजेदार होने वाला है, और देखना नहीं भूलेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक कमेंट करना नहीं भूलोगे, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना वो कमेंट के माध्यम से मैं बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।